हम जो है ना आज सबके कमेंट शामिल करेंगे जो जो होने वाली है आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैंने जब सिद्रा को कहा कि हम Q&A वीडियो बनाएंगे वो कहते हैं वो क्या हो गया Q&A भी पड़े हुए हैं। मैं नीचे पड़ा हूँ, थकना होता है ना ऊपर उसको रोकास्त जहेज है। माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह बहुत शुक्रिया। कहता है कि आप दिखाए आपने नहीं देखा है सिस्टर का बर्थडे आंटी की रोटी बस इतना कमेंट किया है। आंटी कुछ परेशान नजर आ रही थी कि ज्यादा परेशान नजर आ रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों कैसे हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। आप सबकी दुआओं से अल्लाह पाक के फजल करम से अल्लाह पाक आप सब कोई भी खुश रखे सलामत रखे अपने बच्चों और फैमिली के साथ रखे कोई दुख तकलीफ ना पहुँचे आप तक। हमेशा सुखी रहें खुश रहें हंसते रहें मुस्कुराते रहें फूलों की तरह रहें अपने बच्चों के साथ अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अपने बड़ों के साथ खुशगवार रहें। अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे आपको। तो आज की वीडियो जो है वो हमारी इस टॉपिक पर है कि हमने जो है ना दो क्या हो गया शायरी ले आए वो दुकान बंद है खुल जाएगी फिर आप ले आएंगे वो दूसरी दुकान से ले आओ जाओ जाओ वो मतो आप भी साथ चले जाओ चलो साथ और जेडी से मिलती है वो ले आओ जाओ। ओ तो तुम्हारे पैसे किधर आए तू खा गई हो जाओ तू अपना ले आओ चादर चले आओ चले। आज की जो मुख्तसर सी वीडियो है वो ये है इस टॉपिक पर के है कि हम जो है ना आज सबके कमेंट शामिल करेंगे जो जो भी सवाल कर रहे थे वो सब ऐड करेंगे। तो आपने जो है ना बिना स्किप किए देखना है कि कौन सा कमेंट किसका आ सकता है क्योंकि कोई भी आ सकता है ना। फिर नहीं कहना कि मेरा तो कमेंट ऐड नहीं किया था आपने इस वजह से। तो उससे पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर ले सब्सक्राइब। तो आज की मजेदार वीडियो करते हैं शुरुआत की वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है आप सोच भी नहीं सकते हैं। हाँ जी तो बिना टाइम वेस्ट किए जो है ना सिद्रा सलाम करो बिना टाइम वेस्ट किए। अस्सलाम वालेकुम दरबन भाई क्या हाल है उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ मेरे घर में छोटे बड़े सब ठीक है सिर्फ जो है ना शाहदेव के लिए दुआ करनी है उसका जख्म जो है ना अभी है तो उसके लिए बहुत सारी दुआ करनी है। और अभी जो है बना रहे हैं Q&A वीडियो मैंने जब सिद्रा को कहा कि हम Q&A वीडियो बनाएंगे वो कहते हैं वो क्या हो गया Q&A वीडियो। हम कौन सा पड़े हुए हैं हमें नहीं पता है कि क्या होती है पड़े हुए हैं भाई साहब हमारे भी नीचे पड़े हुए हैं पड़े हुए होते हैं पड़े हुए थोड़ी होते हैं हमारे भाई साहब भी पड़े हुए हैं। मैं नीचे पड़ा हूँ पड़े हुए हैं। चले बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं जी स्टार्ट। इधर बैठ जाओ आ जाओ। सबसे पहला जो कमेंट है ऊपर ऊपर मैं आपको दिखाऊं जी पाकिस्तानी चैनल जर्मनी ये हमारी बहुत ही प्यारी सिस्टर है। तो इन्होंने पहले सबसे पहले जी सलाम का जवाब दिया है वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातहु। मोहसिन आप अपनी अम्मी को कहें कि जब दूध को वो बना रही हैं ना लस्सी तो जो उसके ऊपर ना मदानी हो उसको हम कहते हैं मदानी कहते हैं। अच्छा जिसके साथ वो रेड़क रही है मतलब जो चलाती है ना मदानी तो उसको रेड़कना कहते हैं तरह की में। अच्छा रेड़क रही है दूध को ना उसके दोनों कोने जो बड़े हुए हैं ना उनके साथ एक अच्छी सी रस्सी बना लें बनाए दोनों साइडों पे बांध लें बांधें और फिर जो चाटी है ना नीचे उसके पीछे आ जाएगा फिर जो है आपकी अम्मी आसानी से दूध मतलब आसानी से उसको फिर आप आसानी से बनानी बन जाएंगी। अच्छा जी आगे जो है इसका मतलब है कि पाँव ना ऊपर रख दो। हाँ फिर वो इसका जो मेन हल है वो ये कहने जा रही थी कि आप जब वो ढक्कना होता है ना ऊपर उसको रोकने के लिए अम्मी जो है ना पाँव ऊपर रखती है तो फिर वो आराम से बैठा रहता है फिर लस्सी बनाती है। तो ये कहने का मतलब ये है कि वो अच्छी तरह बना लिया करें तो पाँव ऊपर ना रखा करें इसी तरह बना लें।
इसका मतलब है इसी तरह कैसे बनती है वो जैसे बता रही हूँ, वो तो देखना पड़ेगा, अभी हमें समझ नहीं आ रही। तो जज़ाकअल्लाह से फिर बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे, बहुत अच्छा कमेंट किया, बहुत अच्छी राय दी है, इसी तरह अपनी राय का इजहार करते रहा करें इंशाल्लाह। तो एक और नादिया खान है जी, वो मेरे ख्याल सऊदीया से है, हाँ। तो वो भी कह रहे कि भाई आप, भाई आप दुआ बहुत अच्छी देते हैं, दिल खुश हो जाता है। थैंक्स भाई, थैंक यू, जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका भी कमेंट करने का, बहुत अच्छा कमेंट किया है। और एक और है सैयद मरियम, तो वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह, गुड विल हो, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और एक है रुबीना ताहिर, उसने भी कमेंट किया है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जहेज है, माशाल्लाह, जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया। मेरे आगे तो ये आ रही होगी, नहीं नज़र आ रही। अच्छा जी, अच्छा एक और है समीना नाज, उसने कमेंट किया है जी, माशाल्लाह हमने सारा जहेज ऐसा शायद लोग में देख लिया था, ये तो एडवांस में देख लिया है, फिर हमारे दिखाने की क्या जरूरत है, हम फिर जहेज ना दिखाए। आज इस वीडियो में कमेंट कर रहे हैं कि हम जहेज दिखाए या ना दिखाए, देखते हैं कौन कौन कहता है कि हमने देख लिया है और कौन कौन कहता है कि आप दिखाए हमने नहीं देखा है, ये जरूर बताना है। आपने दुआ भी फिर हो रही है, दुआ भी चुप हो जाओ, चुप थी जाओ, क्या कर रही हो, शोर कर रही हो, तो फिर वीडियो कैसे बनाएंगे। अच्छा जी, एक और है, वो कौन है जी, नगीता मलिक है जी, आई लाइक यूर मॉम वेरी मच, शी इज वेरी हार्ड वर्किंग लेडी, मतलब माय सलाम टू हियर और प्लस योर रियल फैमिली, मतलब वो बहुत अच्छी दुआ दी है, उन्होंने कहा कि आपकी मम्मी को मैं लाइक करती हूँ, वो बहुत हार्ड वर्किंग करती है, मतलब हार्ड वर्क करने वाली लड़की है, और अल्लाह पाक को सलामत रखे, और आपको सलाम कह रही है। वालेकुम सलाम, जज़ाकअल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और है जी लैला नेकी, पता नहीं उसका कैसे नाम लिखा हुआ है, तो जो मुझसे गलत हो जाए तो उसके लिए मैं माजरा चाहूँगा, क्योंकि मेरी इतना ज़्यादा तालीम नहीं है, इसलिए मैंने शुरू से जाके मेरा पूरा चैनल चेक करें, मेरी एक भी वीडियो Q&A में नहीं लगी हुई है, आज पहली बार मैं Q&A वीडियो बना रहा हूँ, बड़ा एक्साइटेड हूँ। अच्छा एक और है जी, माशाल्लाह वेरी नाइस व्लॉग, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा एक और है रिहान मुकाब, उसका नाम है जी, और माशाल्लाह गुड व्लॉग, अल्लाह ब्लेस यू योर फैमिली, थैंक यू सो मच, आमीन सुमा आमीन मोहसिन भाई। और एक और है, एक है रिया शेख, रिया शेख, मोहसिन भाई आपकी बीवी बहुत अच्छी है, बहुत काम करती है, और आप और माशाल्लाह आपके बच्चे भी अच्छे हैं, अम्मी मरियम टैन से बहुत बयान से बहुत अच्छा है माशाल्लाह से, और मैंने पहले भी मैसेज किया था, भाभी अच्छी लग रही है, आपने बताया नहीं भाभी को, अब सुन लिया। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया, पता नहीं सिस्टर है के भाई है। सिस्टर का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ फातिमा रो रही है, इसको ले जाऊंगा। अच्छा जी, ये भी हो गया, एक में बहुत ही प्यारी खाला है, वो शुरू से जब हमने चैनल स्टार्ट किया था तब से लेकर अभी तक हमारे साथ हैं, माशाल्लाह वो हमेशा हमारी वीडियो देखती रहती है, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, और जो जो शुरू से हमारे व्लॉग देख रहे हैं हम उनका बिल्कुल तह दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, हम उनको बिल्कुल भूल भी नहीं सकते, हमारे मुश्किल वक्त में भी हमारा साथ दिया है, अभी भी हमारा साथ दे रहे हैं, अभी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हालात जो हमारे बेहतर हैं, और उन्होंने कहा है जी माशाल्लाह गुड व्लॉग, थैंक यू सो मच। और एक और है, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, तो उन्होंने कहा आंटी, ये वाली आंटी की रोटी, बस इतना कमेंट किया है आंटी की रोटी, मतलब आंटी की रोटी बहुत अच्छी होती है, बहुत पसंद है। फिर आपकी रोटी रोटी आपकी कमाल है, कहता आंटी की रोटी कमाल। अच्छा जी,
अच्छा एक और है, सिद्रा इतनी टेंशन में क्यों रहती है? जिनकी वजह से वो परेशान है, टेंशन तो उनको लेनी चाहिए। सिद्रा खुश रहा करो, आप बहुत अच्छी लड़की हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये ना शादी के कामों में बिजी रह गए। शादी के काम आपको पता है बहुत सारे होते हैं, तो इसलिए जो है ना थोड़ी थकावट थी, इसलिए जो है ना बहन भाई परेशान नजर आ रही थी। कुछ परेशान नजर आ रही थी कि ज्यादा परेशान नजर आ रही थी? हाँ ये तो बहन भाई बताएंगे कि कैसे नजर आ रही थी। अच्छा चलो जैसे भी नजर आ रही थी, परेशान तो नजर आ रही थी। हाँ परेशान तो हाँ थोड़ी सी ढेर थी, जोरी थी, ब्रूनाई को तो पता चल गया है ना। हाँ वैसे भी परेशान है। हाँ वैसे भी वो कह रहे थे कि ये जो है ना काम की वजह से वैसे भी थकावट हो जाती है। अच्छा जी एक और है, सिद्रा कुकर में सिर्फ 7 मिनट में दाल गल जाती है, कुकर में कुकिंग भी किया करें। कुकर अब कहाँ से लिया? असल में जो कुकर होता है ना वो हमारे इधर कुकर घूम रहे होते हैं। वैसे जो है ना वो हमने कभी कुकर में बनाई नहीं है, और हम लकड़ियों पे बनाते हैं। कुकर पे गैस में नहीं बनाते, लकड़ियों पे बनाते हैं। फिर ज्यादा बात तो ये है कि हम डरते हैं, बात ये है सीधी सी। सारी इतिहास की माहौल है तो हमारे लकड़ियाँ जलती है तेज, तो हम ना लेते हैं ना बनाते हैं। और मेरा बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा दोस्त है, उसने नहीं भाई उसने कहा जी मोहसिन आप सबसे पहले अम्मी को एक रूम बना कर दो, बाकी काम तो होता रहेगा, समझे आप। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे दोस्त समझ गया हूँ मैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हालात कुछ इस कदर है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि शादी पे जो खर्च किया है हमने इधर उधर से लेके अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे कर्जे तो उतर चुके हैं, बाकी हमारा करीब तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपया जो है ना देने वाला रह गया है। और यकदम हमारी कोई इतनी आमदनी भी नहीं है कि हम कर्जा उतार के फौरन ही कमरा बनाना शुरू कर दें। तो ऐसा ऐसा रूटीन वाइज जैसे होगा, हमारी भी मजबूरी है, हम क्या कर सकते हैं। अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाल्लाह। हाँ जब अल्लाह पाक पैसे देगा तो कमरा बनवाएंगे, फिलहाल तो नहीं बनवा सकते ना। हाँ जी वो एक हम उस टाइम जो है ना समझ नहीं आ रही थी हमें वीडियो की, तो वो एक सिस्टर है वो कह रही है क्वेश्चन एंड आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर ये लिखा हुआ है। ये सिद्रा कह रही थी कि Q&A वीडियो क्या होती है ये समझ नहीं आ रही। आपकी फैमिली बहुत क्यूट है, जज़ाक अल्लाह बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत प्यारा लगता है, सोना लगता है, क्यूट भी लगता है। अच्छा जी एक और कमेंट शामिल करेंगे इधर, आपको अब सबसे पहले और 2 कमरों की जरूरत है और घर को साफ रखा करें। इंशाल्लाह घर हमारा भी देखे बाहर से अंदर से चमक रहा है, क्योंकि इस टाइम सफाई काली है। ये जिस घर में बच्चे होते हैं ना तो वहाँ पर अक्सर ऐसा होता है, बच्चे जो है ना मिनट में इधर सारी कच्ची चीजें है ना, तो इधर कभी इधर से चीजें ले आके इधर गिरा देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, तो फिर इस तरह सिस्टम होता है जी। जज़ाकअल्लाह बहुत शुक्रिया। 2 कमरे नहीं इंशाल्लाह 4 बनवाएंगे, 4 के 6 बनवाएंगे, सबका एक एक कमरा बनवाएंगे, जब अल्लाह पाक फुर्सत देगा इंशाल्लाह। कमरे की तो बहुत जरूरत है, क्यों जो हमारी 4-5 जगह है ना एक धूप में जल रही है, उसकी जगह भी नहीं है चावल में रखने के लिए। हाँ ये बात तो है, जब आपको पता है कि हमारी 4-5 अभी देख ले सारी बाहर है, तो कमरे बनवाना जो है वो बहुत जरूरी है। तो इंशाल्लाह कमरे भी बनवाएंगे जैसे ही फुर्सत होगी।
टाइम वो फुर्सत नहीं, पैसे जब होंगे हमारी मतलब हमारी सराकी में पैसे को भी फुर्सत बोलते हैं कि फिर हमारे पास इतने पैसे नहीं है जो हम बनवा सके, जब अल्लाह पाक हमें पैसे देगा फिर जो है ना बनवाएंगे। हाँ ये बात है। हाँ। अच्छा जी वो कौन बात है इधर पर कौन है इसकी बात की मुझे समझ ही नहीं आ रही, ये क्या हो रहा है? आप अपनी YouTube की आप अपनी YouTube जर्नी शेयर करें। जर्नी क्या हो रही है? सफर मतलब है? सफर YouTube का सफर। हाँ वो बोल रहे हैं कि जब आपने YouTube बनाया था ना तो उसका सफर बताएं कैसे आपने बनाया था, उसमें क्या क्या मुश्किलें आई वो कह रहे हैं बताएं। मतलब जैसे आपने बनाया था, जैसे कब बनाया था, कैसे बनाया था, क्यों बनाए थे, सारी स्टोरी मतलब हमने सुना है। ये तो बड़ी लंबी कहानी है कि कहां तक पहुंचेंगे हम। वैसे शॉर्ट सा थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैंने जो है ना आज से तकरीबन 12 साल पहले 2024-25 लगने वाला है ना, 2011-12 से मैं जो है ना उस टाइम मेरी उम्र करीब 12-13 साल थी। अभी मेरी उम्र जो है ना 25 साल होने वाली है, 25 साल बल्कि हो चुकी है। तो उस टाइम मैंने जो है ना चैनल बल्कि उस टाइम मैं काम पे गया था, उस टाइम मेरी शादी भी नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं था, बस इधर साथ में चाचू वालों के जो घर है ना उस जगह पे एक हमारा कच्चा कमरा हुआ करता था, बस उसमें हम सब रहते थे, बच्चे अम्मी अब्बू सब। हाँ जी हाँ, गाय वगैरह भी थी, गाय थी, बकरियाँ थी, ऐसे सिस्टम चल रहा था। पढ़ाई का इतना तंग हालात था कि अब्बू बीमार रहते थे अक्सर, ना कोई काम कर पाते थे ना हमें पढ़ा सकते थे, मसला अजीब बन गया था। अब्बू जो थे ना पहले वो साइकिल पे जैसे कुछ बेचते हैं, और कैमरे के आगे उंगली तो नहीं आई हुई आपकी। अच्छा तो कभी कुल्फियाँ वगैरह जो ये नहीं होते हैं कुल्फियाँ फलूदे वो बेचते थे, कभी चीज़ें साइकिल पे बेचते थे, ये बड़ा महंगा मतलब के दवा था। शुरू से ही हमारे हालात ऐसे बिगड़े हुए हैं। तो उस मजबूरी की वजह से 2010-11 में मैं काम पे निकला था। ये फैक्ट्रियों में जो आटा जहाँ पर तैयार होता है वहाँ पर मैंने पैकिंग का काम किया है, और लोडिंग अनलोडिंग का काम किया है, गड्डियाँ लोड करते थे, गंदम उतारते थे गड्डियों से, बड़ा काम किया है। फिर उससे जाके मजदूरी की है, फिर टेक्सटाइल कराची में 3 साल लगाए हैं मैंने, उधर जाके धागे वाली मिल में उधर काम किया है, ऐसे करते 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 बहुत ज़्यादा पैसा किया था। तकरीबन 12-13 साल लगातार मैंने काम किया है, बहुत थक गया था, तो बड़ी परेशानी थी। हालात फिर भी शोर नहीं किया करो। अच्छा हालात उस टाइम के कुछ ऐसे थे, फिर भी गुजारा नहीं हो रहा था हमारा, इस वजह से मजबूरी से हमने चैनल पिछला, अगर मेरे हालात देखे ना आप, अगर किसी को नहीं पता तो आप इस यूट्यूब सर्च बार में लिखे मोहसिन सईद व्लॉग, मेरा चैनल आ जाएगा, सिर्फ अकेली मेरी फोटो लगी हुई है, उस पे जाके देखें और पीछे के मेरे हालात देखें, जहाँ पर मैंने काम किया है वो देखें, सारी डिटेल उधर मौजूद है, आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ मैंने काम किया है। तो उस चैनल पर मैंने 3 साल काम किया है, फिर भी कोई कामयाबी मुझे नहीं मिली है, क्योंकि मेरा किसी ने कोई साथ ही नहीं दिया था। उसके बाद मैंने मजबूरी से फैमिली चैनल बनाया, पिछले साल ही स्टार्ट किया है। ये जब शाहदेव और बीबी पैदा हुए थे ना तो इतनी बीमार हो गए थे, इतनी हो गए थे ना, तो हम बहुत परेशान थे, इसी वजह से ना हमने ये यूट्यूब चैनल बनाया था। तो ये मजबूरी थी, हालात सही नहीं थे, इसलिए जो है ना हमने बनाया था। हाँ मैं देहात में काम करती थी, सरिया रहती थी, कपास चुनती थी, सारे छोटे मोटे काम करती थी, तो एक साल इलाज कराते थे। बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा मुझे। बाकी अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाल्लाह। हमारा ये सफ़र था, इसलिए हम फिर बड़ी मुश्किल से कभी उधर भाग, कभी मामू के पास गए, उधर जाके चैनल बनवाया, उधर कुछ दिन रहे, फिर घर आए, फिर वो भावलपुर
वहाँ पर जो मेरे मसात हैं फरमान सोबिया, उन्होंने पहले चैनल बनाया था, फिर उनके पास गए, उनसे कुछ हेल्प ली, ऐसे करते करते अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैनल जो है ना कुछ सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए, आइकन पूरे कर दिया। फिर अप्लाई किया तो फिर हमारे जो है ना कोई व्यूज़ वगैरह नहीं आ रहे थे, कभी 3-4 महीने बाद सैलरी आती है। उसके बाद अभी कुछ व्यू अच्छे हो गए, अभी 2-2.5 महीने बाद या 1 महीने बाद कभी आ जाती है, कभी 2 महीने बाद, कभी 3 महीने बाद। जो जब मतलब के यूट्यूब का सिस्टम ये होता है, जब के $100 बन जाते हैं फिर निकलते हैं, तो इसी तरह कभी आती है कभी नहीं आती है, कभी इधर उधर भाग दौड़ करनी पड़ती है। इसीलिए हमने भेड़ें रखी हुई हैं, आसन भाई दुकान पर काम करते हैं। बड़ा ये मुश्किल सफ़र था हमारे लिए, हमें इतनी ज़्यादा टेंशन होती थी कि अब हम आ गए हैं तो हमारे अगर व्यूज़ ना आए, हमारे सब्सक्राइबर ना बढ़े, हमारे मतलब आज टाइम पूरा ना हो, तो हमारी मेहनत ऐसे चलती रहेगी। पैकेज के पैसे भी पल्लों लगाने पड़ते हैं, पैकेज लगाना हफ्ते में 600 का पैकेज लगता है, बड़ा मुश्किल काम होता है ये। जब आप इतना अंदाज़ा लगाएं, आप भी सारा दिन जब मैं काम करता था ना, काम करता था, वीडियो बनाता था, एक दोपहर को डालता था, एक शाम को डालता था, फिर रात को मुझे 12-1 बज जाते थे कभी वीडियो लेट, कभी मुझे नींद आ जाती थी थकान की वजह से, वीडियो ही नहीं जाती थी, तो नींद में भी ये बड़बड़ा रहा होता था लोग काम, ऐसे जो है ना ऐसी हालत हो जाती है, बंदा इतना परेशान हो जाता है, इतनी मेहनत करता है, क्योंकि ये इंसान के अपने सर पर होता है कि इंसान जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा तो उतनी ज़्यादा बहन भाई उसको देखेंगे, सपोर्ट करेंगे, और बहन भाइयों के सपोर्ट से ही सारा काम चलता है। बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, इतना सा काफ़ी है, आगे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं जी। एक है जी, आप हमारे ब्लॉग का जवाब नहीं देते, अम्मी का रूम सेट करें और आपकी फैमिली बहुत क्यूट है आप। जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया। ये भी कह रहे हैं कि अम्मी का रूम सेट करें, वही अम्मी को कमरा बनवा के दें इंशाल्लाह जी, ज़रूर। और एक और है जी, भाई भाभी का फेस दिखाएंगे या नहीं, ये कोई कन्फर्म नहीं है, उम्मीद है उम्मीद नहीं भी है, आपके साथ हम भी टिके हुए हैं क्योंकि अभी तक वो कह रहे हैं कि हमने नहीं आना है वीडियो में। अच्छा जी, सलाम भाई, वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन भाई, आप भाई, मैं आपके पूरी फैमिली के सबके ब्लॉग देखती हूँ, आसन भाई की शादी भी सब देखा था, पर ये बात गलत है, आपकी बेगम और अम्मी सब ब्लॉग में आते हैं तो आसन की दुल्हन क्या क्यों नहीं दिखाते। मेरा नाम जीनत है, मैं जीनत, मेरी है, हम सिंध से हैं प्लीज। अच्छा जी, कराची और सिंध वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बात आसिफ भाई भी सुन रहे हैं, मैं साफ साफ बताता हूँ, मुझे ना कोई छुपाना आता है ना ही मैं छुपाऊंगा। तो अभी अल्लाह खैर करे। एक और सवाल है जी, आयात मुश्ताक, तो उन्होंने कहा है आपके कितने बच्चे हैं। मेरे जो है वो 4 बच्चे हैं, एक दुआ फातिमा, करीम बीबी, शाहजेब और अवेश। ये करीम बीबी और शाहजेब जो हैं ये जुड़वा हैं, और दुआ फातिमा भी मतलब वही है ये के लिए, और एक अवेश जो है वो मेरा बड़ा बेटा है। मेरे 4 बच्चे हैं, बाकी जो बाकी सब जो छोटे हैं वो कज़न मुलेर और मेरे बहन भाई हैं। अच्छा जी, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप लोगों को नाचने गाने और बच्चे पैदा करने के अलावा कुछ और भी आता है क्या। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। ये जो हम किसी का फंक्शन तो अटेंड नहीं करते, किसी की शादियां तो नहीं करते, ना ही हमने ढोल उठा के किसी शादी में जाते हैं, जाके हम किसे वो मैरिज हॉल में जाके दरवाजे में खड़े होते हैं नाचने के लिए गाने के लिए, नहीं खड़े होते ना। ये हमारा विधोक वाला काम है, हम अपनी शादी, हमारी अपनी जो खुशी होती है, शादी होती है, फंक्शन होता है, उस पर हम अगर नाचते हैं गाते हैं तो किसी का बुरा तो नहीं करते, हम अपनी फंक्शन अपनी खुशी के लिए करते हैं,
ना फिर आप बहन भाइयों को दिखाने के लिए कि वो भी हमारे साथ खुशी में शरीक होते हैं, शामिल होते हैं, हंसते हैं, बातों खुशी हो जाते हैं, इसलिए। बाकी बच्चों की बात है तो वो कोई अल्लाह पाक देने वाला है, इंसान के हाथ में कुछ बस नहीं होता है, होता है तो वो बस अल्हम्दुलिल्लाह जितना है काफ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी और नहीं पैदा करने, अल्लाह पाक से बस इतना काफ़ी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और वो भी तो हैं जिनके शादी को 10-10 साल बीत गए हैं, गुजर गए हैं, 10-10 साल गुजर गए हैं, 20-20 गुजर गए हैं, उनके भी बच्चे नहीं हैं, तो वो क्या, वो उनको उनको क्या कहें कि वो खुद से बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, वो बेचारे तरस रहे हैं, रो रही है, रो रहे हैं, इतने साल हो गए हमारे बच्चे नहीं है, दुआ करते रहे। हाँ जी, ये जो सब है ना, आपके मुझे क्वेश्चन का भी बहुत शुक्रिया, जिसने भी किया है बस बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और एक है जी सिद्रा की, नोज पेन बहुत बड़ी है, छोटी पेन हो इतनी अजीब लगती है, पेंडू। हम भी तो पेंडू है, हमारे पिन्ने भी पेंडू ही लगेगी, हम कौन से इंजीनियर है क्या, हमने डिग्री पास की हुई है उधर से जाके, हम ना हम शहरी ना हम इंजीनियर, हम पेंड हुई है तो हमने ऐसे पहनी हुई है, ऐसे खड़ी हुई है, हमें तो अच्छी लग रही है, बहन भाइयों को शायद नहीं अच्छी लगती। अच्छा जी, ये भी सवाल अच्छा है। कौन है मोहसिन भाई, आप आसिफ को बोलें जब आपकी माँ विलोक में आती है तो मैं माँ से ज्यादा बेगम नहीं और वो अब आप लोगों की हो गई है, उसको मना करना जेब नहीं देता, समझ आई है जी। ये क्वेश्चन है कि आपकी अम्मी जब विलोक में आती है तो माँ से ज़्यादा बेगम क्या होती है और वो अब आपकी हो गई है तो उसको मना करना जेब नहीं देता। अच्छा जी, आपके कितने बच्चे हैं, ये फिर से वही सवाल है, वो तो मैंने बता दिया है, ऐसे टाइम वेस्ट होगा, फ़ायदा नहीं है। अच्छा, सब्सक्राइब भी करोगे, हम भी आपकी हर वीडियो देखते हैं, आप देखते हैं, आपकी अम्मी अपनी बहनें कहाँ, अच्छा आपके अबू अम्मी बहनें कहाँ सोएगी, रूम तो दुल्हन का हो गया है, तो फिलहाल तो ऐसे गर्मी है बाहर, हम सब एक साथ ही सोते हैं, जब सर्दी आएगी तो मसला नहीं है, हमारे रूम में सो जाएंगे, कोई बात नहीं, हमारा कौन सा झगड़ा है, समझ आ गई है, ये बात होती है, रूमों की टेंशन नहीं होती है, कमरों की टेंशन नहीं होती है, वो भी तो रह रहे होते हैं जिनके बिल्कुल है, तीन चार चार बच्चे होते हैं, वो एक टीले के ऊपर झोपड़ी एक बनाई होती है, अल्लाह पाक खैर करे, ये हर किसी के फैमिली में प्यार होना चाहिए, एक दूसरे के लिए इज्जत होनी चाहिए, इसी से सब कुछ चलता है। अच्छा जी, एक और सवाल है, चाची ने आते ही कह दिया बच्चों को चाचू बाबे को भेज कर खिलौने दूर ले आओ, अच्छी बात नहीं है, बच्चों से ऐसी बातें ना किया करो, सही है। सिद्रा को टीवी ले के दो लाजमी, हसन बेटा इंशाल्लाह पैसे आएंगे तो टीवी भी आ जाएगी, घर को साफ, घर को साफ सुथरा रखा करें, अपना घर साफ रहते हैं, कमरों में भी वैसे ही गंद पड़ा रहता है, अभी अपना घर साफ रखें, जो बहन भाई बोल रहे हैं ना थोड़े से पैसे लगते हैं, भेज दो पैसे पर टीवी आएंगे, हमारे पास तो पैसे नहीं है ना, पहले शायद ले लेते, अभी जो है ना हमने शादी की है, जो भी पड़े थे इकट्ठे छठे किए थे वो हमने शादी कर दिया, वैसे भी शादी का पैसा अभी रहता है, वो भी देंगे इंशाल्लाह जब फुर्सत होगी, मतलब पैसे आएंगे फिर जो है ले लेंगे। अच्छा, एक और सवाल है जी, बातें सुनाया ना करें, आपसे ज्यादा स्टडी की है हमने, हमें पता है कैसे बोलते हैं, आपकी तरह अनपढ़ नहीं है। ओके जी, बहुत शुक्रिया, आप जो है ना पढ़े लिखे होंगे, अनपढ़ नहीं होंगे, पढ़े लिखे हैं, बड़े
मतलब उसे क्या कहते हैं, हमें तो ये भी नहीं पता कि क्या क्या कहते हैं। जो भी है पर हर कोई अपनी जगह सही है, हम जैसे अनपढ़ हम हर पढ़ ही सही, कोई मसला नहीं है। और भाई आपने बोला था कि आप क्यू एन ए वीडियो बनाएंगे, हमने इतने क्यू एन ए किए हैं, आपने एक भी जवाब नहीं दिया। आज मैं असल में टाइम नहीं मिल रहा था, इस वजह से नहीं दिया। आज मिल बैठ कर सब के सवालों के जवाब दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सिद्रा के लिए एक और कमेंट आया है। मोहसिन भाई सिद्रा को बोले कि चावल 2 किलो है तो पानी 3 डाला करें, चावल 3 है तो पानी 4 डाला करें, और इससे पहले हमेशा चावल को कम से कम आधा घंटा या 20 मिनट पहले भिगो दिया करें। पानी की तब्दीली होती है ना, सारे इलाके का पानी है। एक और भी है, आपकी बीवी बहुत अच्छी है, आपकी अम्मी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, मैं सऊदी अरब से आप सबको देखती हूँ, माशाल्लाह जज़ाकल्लाह बहुत शुक्रिया, मैं आप लोगों की वीडियो बहुत देखती हूँ माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? भाई माशाल्लाह आप सब बहुत अच्छे हैं, आपके बच्चे बहुत प्यारे हैं, जज़ाकल्लाह बहुत शुक्रिया। और मुझे खजूर बहुत पसंद है, आ जाए जी, जिसको खजूर खानी है वो भी आ जाए। एक और है दुआ, माशाल्लाह बहुत प्यारी है आपसे, आपके बाबा के बहुत समझती है, दोस्त दिया दुआ बहुत प्यारी लग रही थी आप खिलाते हुए। चुप करो शादी, चुप करो, हाथ जब कहा देता हूँ मुझे पानी, मरियम ओ करे के भी पानी ले आओ, शादी को पानी दे, जाओ कूलर से ले आओ, उसको भी दो आप के पियो, जाओ। हाँ जाओ, गिलास ऊपर रखा हुआ है कूलर के ऊपर। और एक सवाल, माशाल्लाह सिद्रा बहुत मेहनत करती है, इससे कहें कि मसाला जात काटने के लिए लकड़ी के टुकड़े कटिंग बोर्ड पर रख कर काटा कर काट लिया करें, इस तरह इसकी अंगूठे नहीं कटेंगे। वीडियो अच्छी लगी आपकी, बच्चों को सारा बहुत सारा दुआ, बहुत सारी दुआ और प्यार आपकी अम्मी सिद्रा ने दुल्हन और सब घर वालों को मेरे तरफ से सलाम कही। अच्छा जी, आपके बच्चे बहुत प्यारे हैं, अब और बच्चे पैदा मत करना, अल्हम्दुलिल्लाह बस कर दो, जज़ाकल्लाह बहुत शुक्रिया, बस है। अच्छा, इतना अरसे से आपको देख रहे हैं, अब तो सराकी थोड़ी थोड़ी समझ आने लग गई है। मतलब है कि सराकी में बात करें, सराकी दाल की बात करो, वो इस दिया होता है तो जो उर्दू में बात करते हैं तो सराकी बोल जाती है, जब सराकी बोलते हैं तो उर्दू बोल जाती है। अच्छा जी, आयत मुश्ताक ने एक और कॉमेंट किया था, प्लीज भाई ये नाम देना, प्लीज वीडियो भाई हमारे भाई का नाम। अच्छा जी, उन्होंने कहा है भाई मेरे भाई आपका बड़ा आपको पसंद करता है, उसका नाम देना हमारे वीडियो में प्लीज। हम सऊदी अरब में रहते हैं, यासिर अब्दुल सत्तार नाम, यासिर अब्दुल सत्तार का बहुत बहुत शुक्रिया, वो भी हमें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं सऊदी अरब से, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जो जिस मुल्क जिस सिटी में जहाँ के रहने वाले हैं, जो भी हमें पसंद करते हैं, मैं दोनों हाथों से ऐसे सलाम करता हूँ उनको और तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, हमेशा उनके लिए ढेर सारी दुआएं करता हूँ, अल्लाह पाक उनको खुश रखे, सलामत रखे, मुस्कुराते रहे, आमीन आमीन सुमा आमीन आमीन सुमा आमीन। तो अभी जो है ना, बाकी इंशाल्लाह फिलहाल के लिए इतने थे, अभी मैं भी थक गया हूँ, तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट शेयर करेंगे, जो भी होंगे, कुछ अगर रह गए हों तो उनके लिए मैं बदला चाहता हूँ, क्योंकि जो मैंने वीडियो बोली थी उसके नीचे जितने भी कॉमेंट थे, अच्छे बुरे हंसी मजाक जो भी थे, मैंने सब पढ़े हैं, सब सुनाए हैं आपको,
तो बाकी जो रह गया हो फिर भी मैं उसके लिए माजरा चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर पढ़ूंगा कभी। तो आप सबने बताना है हमारी ये Q&A वीडियो कैसी लगी। तो आगे क्या है फिलहाल के लिए हमें इजाजत दे। अल्लाह हाफिज़।